देखिए मिथुन जी तो बंगाल का एक कल्ट फिगर है और उनका तो प्रभाव बंगाल में हर कोने में है, तो इसके लिए तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। वो तो तृणमूल उनको बहुत सारे जगह पे उनको लेके प्रचार अभियान किए थे 2016 में, और उसके बाद उनको एमपी भी बनाया था। लेकिन ये जो शारदा चिट फंड का किस्सा है उसमें उनका नाम भी घसीटा गया, फिर उन्होंने तो ईडी से बात करके उनका तो क्लीन चिट हो गया। तो इसलिए मिथुन चक्रवर्ती का तो पूरा बंगाल में एक प्रभाव है, उसके लिए तो फर्क तो पड़ेगा ही। क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो आप बोल रहे थे कि शारदा चिटफंड में उनके नाम ऑलरेडी खराब हो गया है बंगाल में, तो अभी कैसे लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं नहीं, खराब नहीं नहीं बोला मैंने, बोला उनका नाम घसीटा गया था और ईडी से जो उनका पूछताछ हुआ उसके बाद तो उनको क्लीन चिट मिल गया। लेकिन आपके दल लेकिन आपके दल जो है वो तो उन्हें विलेन सजाए थे ना? नहीं, तब तो जो चिटफंड का केस आया था उसमें हम लोग तो ये मांग किए थे ना कि भाई निष्पक्ष जांच हो, तो जांच हो ईडी से जांच हो, ईडी तो जांच ही कर रहे हैं, सीबीआई से जांच हो रही है। तो उनसे उनका अगर क्लीन चिट मिल गया तो उसमें तो वो तो बेदाग हो गए। हम लोग तो वो तो उनका जो चिटफंड वाला किस्सा है वो तो भाजपा तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब बंगाल में केंद्रीय जो सब नेताएं हैं आने लगे हैं और प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, उनसे अब जो होम मिनिस्टर हैं वो भी आ रहे हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी आए थे, इसमें से क्या फायदा होगा और आप कैसे जो दीदी का ललकारा सब जगह पर है उनको कैसे टक्कर देंगे? नहीं, दीदी का अभी कुछ नहीं है, वो बाहर में बंगाल का बाहर में उनका नाम थोड़ा है, इसलिए बाहर से हम लोग को पूछता है दीदी का है दीदी का है। वो मुख्यमंत्री अभी बने हैं, अभी तो है उनका, इसलिए उनका नाम है। लेकिन अभी हम लोग 18 सीट जीतने के बाद उसके बाद जो अभी लहर चल रही है पूरा बंगाल में, आज का जो ब्रिगेड का जो समावेश है वो तो ऐतिहासिक होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं, अभी ब्रिगेड पहुंचने वाले हैं, तो ब्रिगेड में अभी 2-2.5 बजे तक माननीय मोदी जी का आना है। उसका पहले अभी से जो ब्रिगेड का जो दृश्य हम लोगों का लाइव आ रहा है अब टीवी से, तो उसमें तो मार्ट तो अभी खाली बचा नहीं, तो अभी तो लोग जा रहे हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक सभा जो होने जा रही है तो लोग तो आ रहे हैं और चारों ओर तो लोग जो जा रहे हैं बसों में भर भर के जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, कई पैदल जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मिछिल होके जा रहा है।